दोस्तों, मैं रवि हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम ITI के रिलेटेड जो फर्स्ट ईयर ट्रेड हैं उन सभी ट्रेडों के अंदर प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोजेक्शन के बारे में बात करना चाहेंगे। दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा हूँ प्रोजेक्शन की, हिंदी में बोलें तो प्रक्षेप। प्रक्षेप क्या चीज़ है? दोस्तों, प्रक्षेप इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वस्तु का प्रक्षेप खींचने के लिए उस वस्तु के किनारों से प्रक्षेप तल मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर सरल रेखाएं खींची जाती है और उस प्रकार उन सरल रेखाओं के द्वारा प्रक्षेप तल पर जो बिंदु प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे को मिलाते हैं और जो मिलाने के बाद जो आकृति तैयार होती हैं उसे प्रक्षेप बोलती हैं या प्रोजेक्शन बोलते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन इट मीन्स प्रक्षेप दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो प्रक्षेप आता है वह प्रक्षेप है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। हिंदी में कहें तो चित्रीय प्रक्षेप। दूसरा दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप। दोस्तों, प्रोजेक्शन दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, दूसरे में लंब कोणीय या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सबसे पहले बात की जाए पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की तो ये दोस्तों आगे तीन भागों में डिवाइडेशन है इनका। सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। हिंदी में बात करूं तो सममितीय प्रोजेक्शन, सममितीय प्रक्षेप। दूसरी की बात करी जाए तो दूसरा है ओब्लिक प्रोजेक्शन जो कि है तिर्यक प्रक्षेप। तीसरे की बात की जाए तो दोस्त तीसरा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो कि परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप कहलाता है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन तीन टाइप्स में डिवाइडेशन है इनका। सबसे पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, दूसरा ओब्लिक प्रोजेक्शन में, तीसरा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। दोस्तों, लंब कोणीय ऑर्थोग्राफी की बात की जाए तो ऑर्थोग्राफिक सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप कहलाता है। दूसरा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो कि तृतीय कोणीय प्रक्षेप कहलाता है। तो ये दोस्तों था प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके आगे आगे कितने भाग होते हैं। तो प्रोजेक्शन दो तरह के, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, प्रोजेक्शन होता है दो तरह का जो कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और दूसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ओब्लिक प्रोजेक्शन और तीसरा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है और ऑर्थोग्राफिक में है जो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और दूसरा है जो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। दोस्तों, प्रोजेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। मैकेनिकल लाइन की बात की जाए तो दोस्तों गियर्स हैं, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, सिलेंडर है। या सिविल इंजीनियर में बात की जाए तो किसी भवन, बिल्डिंग
का व्यू लेना है, उसका प्रोजेक्शन है। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी थी प्रोजेक्शन के बारे में। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।